हाँ, पूरा इसके खुला अंदर कुछ है तो नहीं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, है। रख दीजिए। हाँ, या फिर रख दीजिए। ठीक है, इस रस्सी को आप पकड़िए। हाँ, थोड़ा इधर और खींचिए, इतना ना कि टूट जाए पैर। हाँ, खींच लिया ना टाइट? अरे ठीक है, गला ऊपर तो हाथों पे गांठे लगा दीजिए। हाँ, गांठे लगा दीजिए। हाँ, खींच के रखिए और गांठे लगा दो। रुको, हाथों पे रुको, रुको। हाँ, हाथों पे रुके, गांठे, रुके, हाथों पे गांठे लगा दो ऊपर। वही तो बात है। हाँ, गांठे लगा दो। हाँ, ऊपर ठीक गांठे लगा दो, ऊपर गांठे लगा दो। बस बस देखो। हाँ, यहीं पे ऊपर गांठे लगा दो। हाँ, और लगा दो, ये गांठ एक गांठ पूरी, और लगा दो, बस बस एक और लगा दो। बस बस हाँ, बस। एक और लगा दो, और लगा नहीं दो। नहीं खूब नहीं, है, नहीं लगा दो। लगा। हाँ, बांधने का पहली बहुत बार मौका ज्यादा, मिला है तो बांध दो, टाइट बांध दो। हाथों में दर्द भी हो रहा है, इतना टाइट बहुत बांधा ज्यादा है। दर्द हाँ, है। जितनी ठीक करते क्या, ठीक बस है। बस अब ये कपड़ा है, एक दो तीन कहूँ तो मेरे हाथों पे डालना है। ठीक। हाँ, कपड़ा डाल, आप इधर से पकड़ लो, आप इधर से। हाँ, हाथ पकड़ो, नहीं वो कपड़ा पकड़ो और मेरे हाथों पे डालना, बहुत टाइट बांधा है। हाँ, 1 2 3। हाँ, हाथों पे रख दो। हाँ, कपड़े को इस प्रकार नहीं, हाँ ऐसे रख दो। हाँ, कपड़े को ऐसे आपने रख दो। हाथ कैसे खोल दिए यार? मेरे को क्या पता, आपने बांधा था बहुत टाइट। दोस्तों, अभी मैं आपको एक जादूगर से मिलाता हूं। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी लोग जादूगर कहते हैं, लेकिन ये वो जादूगर नहीं है, क्योंकि उनके पास तो जादू की ऐसी ऐसी कलाएं हैं, हालांकि हम सब जानते हैं। लेकिन अभी मेरे साथ जो सीके मारवाड़ी है, ये वाकई में इनके पास इनकी इतनी अच्छी कला है, इतना अच्छा जादू करते हैं, जिसको हम सब देख करके इनकी कला को सैल्यूट करते हैं। अब मैं ज्यादा नहीं पूछ बातों के बातें करते हुए सीधा सीके से ही बात करता हूँ। सीके, सबसे पहले तो मैं आपके मोबाइल नंबर जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके जादू को जो लोग देखेंगे उसके बाद से ये पक्का है कि आपको लोग किसी कार्यक्रम में, बर्थडे पार्टी में, बच्चों के छोटे छोटे कार्यक्रम में या बड़े ओकेजन में, जागरण में आपको बुलाएंगे। सबसे पहले तो आपके नंबर बता दीजिए। 9602480128। हिंदी में बोलेंगे? 9602480128। अच्छा, ये आपके मोबाइल नंबर है। आप सीखे हो कहाँ से? मैं राम जी का गोल धोरीमना तहसील बाड़मेर से हूँ। अच्छा दोस्तों, अभी हंसना मत, क्योंकि मुझे सीके से बात करते हुए यूं देखना पड़ रहा है, क्योंकि सीके की हाइट ही कुछ ऐसी है। कितनी हाइट है सीके? मेरी 6 फुट 3 इंच। 6 फीट हाइट। क्या खाया था कुछ? नहीं, कोई अलग से कुछ नहीं खाया। अच्छा, अलग से कुछ नहीं खाया, जो खाते हो वही खाया? हम ग्रामीण इलाके से आते हैं तो हम भी ग्रामीण से हैं भाई। हाँ, पौष्टिक आहार ही खाते हैं। पौष्टिक आहार खाते हैं, सिटी वाले पौष्टिक नहीं खाते हैं? खाते तो है ही, लेकिन सिटी वाले थोड़ा वो। अच्छा, आप मैजिशियन हैं, जादू दिखाते हैं, इसके अलावा क्या कॉमेडी भी करते हैं? हाँ, कॉमेडी थोड़ा बहुत, डांस कॉमेडी करते हैं। डांस भी आते हैं आपको? हाँ, थोड़ा बहुत। डांस कैसे मैनेज, इतनी लंबी लंबी आपकी पैर, डांस कैसे कभी गिरे नहीं? वो जब मैजिक शो के साथ में हम डांस करते हैं, अलग से नहीं करते, मैजिक शो के साथ में डांस करते हैं। मैजिक शो के डांस में, जब मैजिक शो होता है तब ये डांस करते हैं। अब मैं सीधा इन्हीं से ही बोलता हूँ, यही आपको जो है वो जादू दिखाएंगे। अब मैं सीके मारवाड़ी के लिए सभी दर्शकों से कहूँगा कि अगर आपको सीके मारवाड़ी के जादू देखने हैं तो इस पूरे वीडियो में बने रहना, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें, क्योंकि आपकी फेसबुक पर जो लोग और जुड़े हुए हैं, आपके मित्र हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके कॉलेज के दोस्त हैं, वो भी सीके का जादू जरूर देखें। इसलिए सबसे पहले आप शेयर कर दो, और अगर आपको जादू पसंद आ जाए तो सीके को आप कमेंट करके धन्यवाद जरूर देना। अब हाँ, आग लग, ये एक खाली बॉक्स है मेरे पास, इसके अंदर आग लगा दो। हाँ, ये पेपर है। इसको पूरी तरह से कागज को जला दिया है, ये देखिए अंदर से आग निकल रही है। और ये है मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स से मैंने इसको बंद कर दिया, और बंद करने के साथ जैसे ही मैं इसको खोलूँगा ना, तो अंदर से चॉकलेट। हाँ, ये लीजिए, आप भी खाइए। हाँ, ये लीजिए, बहुत सारी चॉकलेट। हाँ, आप खाइए और खाइए और खाइए। हाँ, खाइए।
हाँ देख, और ये बॉक्स बिल्कुल खाली हो गया पूरी तरह, इसके अंदर कुछ भी नहीं। तो मेरे पास एक झोला है, हाँ आप इस साइड आ जाइए, मेरे पास एक झोला है वो अंदर से बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं इसके ऊपर मैजिक लगाऊँ, हाँ इस साइड सामने आ जाइए, इसके ऊपर जैसे ही मैं मैजिक लगाऊंगा ना, तो इसके अंदर से मैं एक फूलों की शानदार माला लेके आऊँगा। ये देख, बिल्कुल खाली झोले से फूलों की माला, और जैसे आपको मैं बता दूँ ये झोला बिल्कुल खाली है, आप अंदर से देख लीजिए खाली है ना। हाँ कैमरे में दिखा दीजिए, ये बिल्कुल खाली है, और इसके अंदर से मैं जैसे ही नोट, हाँ आप पकड़ लीजिए, ये झोला है बिल्कुल खाली, इसके अंदर कोई नोट नहीं है, बिल्कुल खाली है ऊपर से नीचे तक, आप अंदर देख लीजिए है कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो इसके अंदर से नोट पड़े, आपको दिखाई नहीं दे रहे लेकिन बहुत से नोट है। ये देख, आप कहें तो मैं नोटों की बारिश कर दूं। ये देखिए, ये देखिए नोट ही नोट, और अंदर से देख लीजिए ये बिल्कुल खाली है। ये क्या है मेरे पास? हाँ बोलिए क्या, रुमाल है ना? रुमाल। ठीक है, ये अंदर से बिल्कुल खाली है, इसके अंदर आप रुमाल डाल लीजिए। हाँ सबको दिखा दीजिए, ये बिल्कुल खाली रुमाल है, वाइट रुमाल, इस रुमाल को इसके अंदर डाल लीजिए। हाँ रुमाल को अंदर डाल लीजिए। ठीक है, रुमाल को इन भाई ने अंदर डाल दिया, और अंदर से आप बाहर निकालिए। हाँ रुमाल को बाहर निकालिए, हाँ खींचिए, हाँ खींचिए। ये भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये हिंदुस्तान की आन बान और शान तिरंगा, और रुमाल इसके अंदर नहीं है, रुमाल गायब है। ये मेरे पास कोका कोला है, कोका कोला की बोतल है, जो सामने दिख रहा है कोका कोला, इसको मैं एक ढक्कन से बंद करूंगा, बंद करने के बाद इसके ऊपर जैसे ही मैं मैजिक लगाऊंगा तो इस कोका कोला से फूल बना दूँ। और ये कोका कोला इसके अंदर है, जैसे मैं इसके ऊपर मैजिक करूंगा ना, ये कोका कोला गायब हो जाएगा, कोका कोला नहीं है इसके अंदर। अंदर से बिल्कुल खाली है, इसके अंदर मैं ये फूलों की माला डालूंगा और इससे बड़ा फूल बनाऊंगा। फूलों की माला इसके अंदर डाल दी है, और इसको जैसी ये बड़ी माला बना दी। ये एक बॉल है मेरे पास, इसके अंदर इस बॉल को मैं इस थैले में डाल दूंगा और इस ढक्कन को बंद कर दूंगा, और इस थैले से मैं ऊपर से बॉल को जैसे ही पकड़ूंगा और इसके अंदर मैं डालूंगा ना, यहाँ से पकड़ के इसके अंदर डाल दूंगा तो बॉल यहाँ पे आ जाएगी। सर ये देख लो, वापस करो एक बार, ये देख, अब बारी आती है दो मजबूत भाइयों की। हाँ ये, हाँ आप इस साइड से इसका मुंह पकड़ लीजिए और आप पूंछ पकड़िए। हाँ ये, हाँ ये पूंछ पकड़ लीजिए, इसको खींचिए, इसमें कोई रबड़ तो नहीं लगा हुआ नहीं? रबड़ नहीं है ना? नहीं रबड़। हाँ ठीक है, अब आपको मेरे को बांधना है, जादूगर को बांधना है, कभी मौका मिला है बांधने का? नहीं आज पहली बार है। नहीं बांधा? ठीक, और आप ये कपड़ा उठा लीजिए, इसको खोलिए, आप इस सिरे को पकड़ लीजिए। हाँ इसके अंदर कुछ है तो नहीं? नहीं बिल्कुल। ठीक है रख दीजिए, हाँ यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, हाँ इस रस्सी को आप पकड़िए, हाँ थोड़ा इधर, और खींचिए इतना ना कि टूट जाए पैर। हाँ
खींच लिया ना टाइट, ठीक है। ऊपर हाथों पे गांठे लगा दीजिए, हाँ गांठे लगा दीजिए, हाँ खींच के रखिए और गांठे लगा दो हाथों पे, हाँ हाथों पे गांठे, हाथों पे गांठे लगा दो ऊपर, हाँ गांठे लगा दो, हाँ ऊपर गांठे लगा दो, ऊपर गांठे लगा दो, बस हाँ यहीं पे ऊपर गांठे लगा दो, हाँ और लगा दो एक गांठ और लगा दो, एक और लगा दो, हाँ एक और लगा दो, और लगा दो, नहीं नहीं लगा दो, हाँ बांधने का पहली बार मौका मिला है तो बांध दो टाइट, बांध दो, हाथों में दर्द भी हो रहा है इतना टाइट बांध दो, ठीक। अब ये कपड़ा है, एक दो तीन कहूँ तो मेरे हाथों पे डालना है, ठीक हाँ कपड़ा डाल, आप इधर से पकड़ लो, आप इधर से, हाँ हाथ पकड़ो, नहीं वो कपड़ा पकड़ो और मेरे हाथों पे डालना, बहुत टाइट बांधा है, हाँ वन टू थ्री, हाँ हाथों पे रख दो, हाँ कपड़े को इस प्रकार नहीं, हाँ ऐसे रख दो, हाँ कपड़े को ऐसे रख, हाथ कैसे खोल दिए यार, मेरे को क्या पता आपने बांधा था, बहुत टाइट बांधा, हाँ कपड़े को रख लो, हाँ कपड़ा हटाओ, हाथ खुले है के वैसे ही है सर यार, ये हाँ कपड़ा हो सकता है यार, ये बहुत टाइट है, दर्द भी हो रहा है यार, अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो टाइट है, वापस रखो कपड़ा, अरे यार हाँ कपड़ा वापस रखो, बहुत दर्द हो रहा है मेरे को, हाँ छोड़ दो कपड़े को, ऐसे नहीं ऐसे ढकना है, हाँ बस, अरे तो यार ये क्या है, यही तो जादू है, इसको वही जादू कहते हैं, तो ये क्या, ये बिल्कुल आजाद हो गए हम, हाँ तो ये जो आप देख रहे हैं वो कोई जादू मतलब कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक कला है, ये चमत्कार नहीं होता, ये कला है, ये कुछ महीनों की या वर्षों की मेहनत है जो मैं कर रहा था। लोग सीखे आपको ये भी कहते हैं कि आप हमारे घर में कोई है उसको सही कर लो, ऐसा भी कभी कहते हैं कि भी आप आ जाओ हमारे को, हाँ, ये हो गया, बिल्कुल कॉल तो आता है लेकिन ऐसा मेरे पास कुछ, अच्छा मेरा एक सवाल है, मेरा नहीं हम सबका है कि रस्सी वाला क्या मामला था, बाकी चलो जादू ये तो एक अनोखा ही मामला था, ये भी एक कला ही थी, हाँ, हाँ ये कोई चमत्कार नहीं है, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई चमत्कार नहीं है, कोई ऐसा कोई मंत्र तंत्र नहीं, देखिए बहुत ही होशियार ये जो है सीके मारवाड़ी जादूगर है, स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, इनको बहुत कुछ सीखना है और आप सब लोगों का सपोर्ट इनको चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि सभी साथी दर्शक एक बार इनका सपोर्ट करें, वीडियो को भी शेयर करें और हो सके तो आपके कार्यक्रम घर पे कोई आयोजन है तो सीके को जरूर बुलाएं और सीके आपने जादू से सबको हंसा हंसा करके सबको अपनी कलाएँ दिखाएंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भजन संध्या ज़्यादातर मैं भजन संध्या और हैप्पी बर्थडे जो कार्यक्रम होता है उसमें हमें बुलाते हैं लोग, भजन संध्या या गरबा मंडल होता है उसमें भी जाता हूँ, बिल्कुल कोई भी कार्यक्रम हो अगर आप बुलाना चाहें तो सीके को ज़रूर बुलाइएगा।